आप देख रहे हैं TNB। एक समय था जब साउथ की फिल्में बॉलीवुड को पसंद करने वाले ज्यादा नहीं दिखते थे और साउथ के दर्शक बॉलीवुड फिल्मों से दूर रहते थे, लेकिन आज का समय बदल गया है और साउथ की फिल्में हिंदी में वही बॉलीवुड की फिल्में साउथ के अलग अलग भाषा में रिलीज होती है। इन फिल्मों को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है। पिछले कुछ सालों में भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों ने एक कमाल का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी लागत 500 करोड़ के अंदर है, लेकिन उनकी कमाई 1000 करोड़ से ज्यादा है। इसमें साउथ और बॉलीवुड दोनों की फिल्में शामिल है। साउथ की तरह बॉलीवुड फिल्में भी अब ऐसे कंटेंट पर फिल्में बना रही हैं जो दर्शकों को पसंद आए। इस वजह से वो फिल्में अच्छी खासी कमाई कर जाती हैं। जब बजट कम हो और कमाई कई गुना ज्यादा हो तो फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। भारतीय सिनेमा में कई ऐसी फिल्में हैं जो अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई कर जाती हैं। भारतीय सिनेमा ने दुनिया भर में जिन फिल्मों से जबरदस्त कमाई की है उसमें शाहरुख खान, आमिर खान, रामचरण, प्रभास जैसी सुपरस्टार्स की फिल्में शामिल हैं। इस फिल्मों के क्रिटिक्स रिव्यू जैसे भी हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस इन फिल्मों की कमाई ने सभी की बोलती बंद कर दी। यहाँ बताए गए कलेक्शन डाटा को सैकनल के मुताबिक बताया गया है। साल 2017 में आई फिल्म दंगल का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया था। फिल्म में आमिर खान, साक्षी तंवर, सानिया मल्होत्रा, फातिमा, सना शेख जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2024 करोड़ रुपए हुआ था। साल 2017 में आई फिल्म बाहुबली 2 का निर्देशन SS राजामौली ने किया था। इस फिल्म में प्रभास, अनुष्का शेट्टी और राणा दुग्गुबाती जैसे कलाकार अहम रोल में नजर आए। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 1810 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। साल 2022 में आई फिल्म RR का निर्देशन SS राजामौली ने किया था। फिल्म में रामचरण, जूनियर NTR और आलिया भट्ट अहम रोल में नजर आए थे। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1236 करोड़ हुआ था। साल 2022 में आई फिल्म KGF 2 का निर्देशन प्रशांत नील ने किया था। इस फिल्म में यश, श्रीनिधि, संजय दत्त और रवीना टंडन अहम रोल में नजर आए थे। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1235 करोड़ से भी ऊपर हुआ था। साल 2023 में आई फिल्म जवान का निर्देशन इटली कुमार ने किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान, विजय सेतुपति और नयनतारा अहम रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड 1162 करोड़ से भी अधिक का कलेक्शन किया था। साल 2023 में आई फिल्म पठान का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1052 करोड़ से भी अधिक रुपए का कलेक्शन किया था। साल 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान का निर्देशन कबीर खान ने किया था। इस फिल्म में सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा अहम रोल में नजर आए थे। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 910 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं साल 2023 में आई फिल्म एनिमल का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया था। इसमें रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 902 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं साल 2017 में आई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया था। इस फिल्म में जायरा वसीम और आमिर खान अहम रोल में नजर आए थे। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 858 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं जब पीके की बात आती है तो साल 2014 में आई फिल्म पीके का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। इस फिल्म में आमिर खान, अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत अहम भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 743 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।